अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक डिवीजन एक्सरसाइज 1.3 इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन, एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। अगर हम x को 1/x से रिप्लेस कर दें, अगर हम x को रिप्लेस कर दें 1/x से, तो इक्वेशन चेंज ना हो। जैसे ये एक इक्वेशन है, ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर रिप्लेस करना है 1/x। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पर हमने 1/x लगा दिया, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी 1/x का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर x है, x स्क्वायर है तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये x है तो 1/x। तो जहां जहां x है वहां पे आपने 1/x लगा दिया। अब इसका इसकी पावर 4 ओपन करेंगे तो ये a ओवर x 4, b ओवर x क्यूब, c ओवर x स्क्वायर और b ओवर x प्लस a। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम x 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसे x 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 4 से x 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a। इसे हम x 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 3 और x 4 कैंसिल होगा, तो ये बी एक्स आ जाएगा। इसे x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसे x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, बी एक्स क्यूब हो जाएगा, और इसे x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स फोर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, ये सेम है, सिर्फ ऑर्डर इसका चेंज है। आप इसको रीअरेंज करेंगे तो यही इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन जो है वो क्या होगी, सेम रहेगी अगर हम x को रिप्लेस कर दें बाय 1/x। इस तरह की इक्वेशन को क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन। दूसरी है जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये डेफिनेशंस पेपर में आ जाती हैं, ये आपने याद रखनी है। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। यहाँ पे देखें, ये जो वेरिएबल है ये पावर में आ रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ वेरिएबल बेस है और पावर जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, फोर कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल जो है वो क्या आ गया, पावर में आ गया, और बेस जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह की इक्वेशन को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 1.3 का, सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन 2x4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल है, ये आपने जरा इसको ध्यान से करना है। अब यहां पे देखें, यहां पर पावर क्या आ रही है, एक्स फोर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी एक्स पावर क्या हो, पावर टू हो, सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आपने लेट करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो एक्स फोर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज हैं आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। अब यहां पे देखें, x4 किसके इक्वल है, y स्क्वायर के। तो यहाँ x4 की जगह पे हमने क्या लगा दिया, y स्क्वायर। और ये x स्क्वायर किसके इक्वल है, x स्क्वायर किसके इक्वल है, y के। माइनस 11y हो गया, और ये 5 एज इट इज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये लास्ट कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2 × 5 × 10। अब 10 के फैक्टर बनाने हैं, तो 10 के फैक्टर किस तरह बनाने हैं, देखना है कि 10 किस किस पर डिवाइड होता है। 1 पे डिवाइड करें तो 10 आएगा, 2 पे डिवाइड करें तो 5 आता है। अब हमने यहां पे देखना है ये मिडल वैल्यू, इसकी मिडल वैल्यू में क्या आ रहा है, 11, और यहां पे साइन कौन सा है, प्लस। तो हमने ये देखना है कि प्लस करने से 11 आए, तो कौन सी दो वैल्यूज हैं, इन पेयर में से देखना है कौन सी दो वैल्यू जिन्हें प्लस करें तो 11 आएगा। तो ये दो वैल्यूज हैं, 10 और 1। अब ये साइन माइनस का है तो माइनस और बड़ी वैल्यू यहां लगा दें और फिर माइनस 1। अब यहां पे देखें, ये माइनस 10 माइनस 1 ये क्या होता है, माइनस 11। तो इस मिडल टर्म को हमने ब्रेक कर ली। अब हम देखेंगे यहां से कॉमन क्या आता है, इन दो टर्म्स में से, पहली दो टर्म्स में से कॉमन देखना है। ये 2 कॉमन है क्योंकि ये 10 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, और y यहां भी है, y यहां भी है,
टू वाई कॉमन आएगा, तो जब टू वाई कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, वाई माइनस फाइव। अब इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से बजाहिर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, वन कॉमन ले लेते हैं। जब वन कॉमन लेंगे, ये माइनस है तो माइनस जब हम कॉमन लेते हैं तो इस वैल्यू का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि ये टर्म और ये टर्म सेम आनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं आती तो आपके फैक्टर सही नहीं है। तो आपने क्या करना है, वाई माइनस फाइव यहाँ लिखना है और ये टू वाई माइनस वन यहाँ पे लिख देंगे। अब ये वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो होगा या टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा, यहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये याद रखना है कि y किसके इक्वल है, y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, y माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा, और टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो टू वाई इज इक्वल टू वन, टू को इधर लेके आएंगे तो वन बाई टू हो जाएगा। अब आपको ये याद होगा कि y किसके इक्वल था, y इक्वल टू था एक्स स्क्वायर के, तो हमने y की जगह पे क्या किया, एक्स स्क्वायर लगा दिया। इधर भी y की जगह पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर लगा दिया। अब हमने फाइंड करना था x, x फाइंड करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या करते हैं, प्लस माइनस b लगाते हैं, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव, और यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन का स्क्वायर रूट वन होता है और टू स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट। उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल सेम है, ये है टू एक्स फोर माइन इज इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। हम क्या करेंगे, इसको इन टर्म्स को उस साइड भी ले आए, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, ये फिलहाल जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर क्या हो, टू हो। पावर टू लाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये हमने लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स फोर। तो एक्स फोर इधर जब स्क्वायर लेंगे तो इस साइड पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्क्वायर क्या करना है, बोथ साइड लेना है, तो एक्स फोर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यूज जो है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक्स फोर किसके इक्वल था, वाई स्क्वायर के, तो ये टू वाई स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई के, तो ये नाइन वाई हो जाएगा, और ये फोर एज इट इज है। अब हमने करना है इसके फैक्टर्स बनाने, फैक्टर्स बनाने का तरीका वही है, पहली टर्म और ये लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू मल्टीप्लाई एट हो जाएगा। अब आपने देखना है एट के फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं। अब एट के फैक्टर किस तरह बनाने हैं, आपने देखना है एट किस किस पर डिवाइड होता है, वन पे डिवाइड करेंगे तो एट आएगा, टू पे डिवाइड करेंगे तो फोर आएगा। अब आपने ये साइन देखना होता है, ये साइन जो भी होगा अगर प्लस है तो प्लस करने से ये मिडल वैल्यू आनी चाहिए, तो किन दो वैल्यूज को प्लस करने से मिडल वैल्यू आएगी, इन दो को, तो वन को और एट को जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइन। तो यही हमारे दो फैक्टर बन जाएंगे, माइनस एट और माइनस वन, माइनस एट और माइनस वन करेंगे तो ये माइनस नाइन होगा। अब हम देखेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या है, ये टू कॉमन है, टू, ये टू और एट दोनों किस पर डिवाइड होते हैं, टू पर, तो ये टू कॉमन लेंगे, और वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, तो वाई कॉमन लेंगे। जब हम टू वाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे यहाँ पे क्या रह जाएगा, वाई, और एट में से जब टू कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, फोर, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, बजाहिर अगर आपको कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करते हैं, वन कॉमन लेते हैं, और जब वन कॉमन लेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस था तो क्या हो गया, माइनस। अब ये देखें आपने ये भी याद रखना है कि ये y माइनस फोर, ये y माइनस फोर, ये दोनों वैल्यूज सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो फिर आपके फैक्टर सही नहीं है। तो y माइनस फोर हमने यहाँ लिखा और टू वाई माइनस वन यहाँ पे लिखा इक्वल टू जीरो, इसको अलग अलग कर लें, y माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमारे पास ये y की वैल्यूज आ जाएंगी, y माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, टू वाई इज इक्वल टू वन, और y इज इक्वल टू वन ओवर टू। अब ये वैल्यूज हमने, ये y किसके इक्वल था ये आपने याद रखना है, पिछली स्लाइड में हमने देखा था y इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर के, तो हमने y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, इधर भी y की जगह पे क्या किया, एक्स स्क्वायर पुट किया। अब हमने x फाइंड करना था, तो x फाइंड करने के लिए इस स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका बोथ साइड
स्क्वायर रूट लेंगे, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2। और ये याद रखना है कि जब हम कांस्टेंट का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या करते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। और इधर भी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 आएगा। तो ये प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 और प्लस माइनस 2, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू जी।